आज के बाद जब भी आपने अबू धाबी से ट्रैवल करना है तो आपने अबू धाबी के इस नए एयरपोर्ट से ट्रैवल करना है। मतलब इतनी कंफर्टेबल चेयर्स और काउच आपको किसी एयरपोर्ट पे मिल भी सकते हैं, हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सीटिंग है ना, मोस्टली सीटिंग्स के साथ यहाँ पर ही उन लोगों ने यूएसबी के लिए और पावर केबल के लिए जो है ना वो बनाया हुआ है स्लॉट्स। ये तुम्हारा पीला बैग, और ये तो हर जगह भी मेरे साथ जाता है और इस दफा भी मेरे साथ। कितनी कंट्रीज फिर ली हैं? और ये है अबू धाबी का नया एयरपोर्ट। अच्छा, ये एयरपोर्ट जो है काफ़ी खूबसूरत है पहले वाले से, और इसका डिज़ाइन जो है वो दूर से ही आपको नज़र आ जाता है काफ़ी अच्छा, और काफ़ी वाइड स्ट्रक्चर उन्होंने, मतलब काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है। ड्रॉप ऑफ के लिए यहाँ पर काफ़ी जगह है जहाँ पर गाड़ी खड़ी करके आप टोटली ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। और ये सामने गेट्स हैं, ये 2, 3 और इस तरह से जितने भी लगे हुए हैं। और ये टर्मिनल ए है, और ये आगे सारी गाड़ियाँ हैं, सारी ड्रॉप ऑफ के लिए लगी हुई हैं। इस तरफ से पार्किंग, काफ़ी बड़ी पार्किंग इन्होंने बनाई है। आप अगर ये पार्किंग आपको नज़र आ रही है, ये सारी पार्किंग हैं, ठीक है। उसके अलावा नीचे जो है वो सामने टैक्सी का, काफ़ी दूर है थोड़ा सा, टैक्सी का वो स्टैंड है जहाँ पर टैक्सी सारी खड़ी हैं। और ये नीचे जो है गाड़ियाँ जो कि पिक करने के लिए जा रही हैं लोगों को, वो सामने पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है, आपको लाइट नज़र आ रही है तो। अच्छा, वो सामने जो ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज के नीचे यहाँ पर जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना आपको, ये सारी पिक करने के लिए खड़ी हुई हैं लोगों को, ठीक है। क्योंकि जो ये ऊपर वाला फ्लोर है ये ड्रॉप ऑफ का है, यानी डिपार्चर का है, और ये नीचे जो है वो पिकअप का है, यानी कि जो भी अराइवल्स हैं, अराइवल्स नीचे आते हैं और डिपार्चर ऊपर के हैं। बाकी मैं अभी अंदर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट अभी, फ़्लाइट में तो वैसे मेरे अभी 3 घंटे पड़े हुए हैं, बट मेरे पास लाउंज एक्सेस है तो मैं लाउंज में बैठ के कुछ खा पी लूँगा अभी, क्योंकि डिनर का टाइम है। इट्स अभी टाइम जो है अभी तकरीबन या 10:45 का टाइम है, तो मेरे पास टाइम है, मैं अंदर जाके कुछ खाना चाना खा सकता हूँ। तो अंदर से भी मैं आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ अभी। अच्छा, मैं ना थोड़े दिन पहले यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आया था, कुछ मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, उनको ड्रॉप करने के लिए आया था, उनकी फ़्लाइट भी इटली की थी। तो उनका भी क्या सीन था कि इन लोगों ने ना अभी एयरपोर्ट, इट्स प्रीटी सिमिलर विद दुबई, क्योंकि बहुत इजी एक्सेस है, मतलब कि आप बैगेज जो है वो ड्रॉप ऑफ के लिए, और कॉन्टैक्टलेस जो है आपका सारा चेक इन का वो सारा सीन है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये सारा डिपार्चर हॉल है, इट्स ह्यूज स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा ऊपर से है, एंड एक्चुअली इट्स ब्यूटीफुल। मतलब कि मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था आज से कोई 2 वीक्स पहले, जब मैं यहाँ पर आया था, मुझे पिक करना था कुछ अपने फ्रेंड्स को, एंड आई सॉ देम, देखो तो आपको दूर से ही खूबसूरत नज़र आने लग पड़ता है कि कोई अच्छी चीज़ बनाई हुई है। मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरा चेक इन जो है वो कौन से काउंटर से है, आई मीन बैगेज ड्रॉप ही करना है, चेक इन तो मैंने ऑनलाइन कर लिया हुआ है। ये है CDE मेरा चेक इन, और चेक इन मेरा ओपन है। तो चेक इन मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन चेक इन तो मैंने किया हुआ है, तो मैं सिर्फ बैगेज ड्रॉप करके तो मैं अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि अभी बाहर मैंने क्या करना है, अंदर एटलीस्ट बैठ के मैं कुछ खा पी लूँगा। ये इत्तेहाद का जो है वो चेक इन का सारा है, मैंने आपको बताया था, इट्स प्रीटी क्विक एंड प्रीटी फास्ट। आप जो है जिस तरह एमिरेट्स एयरलाइन का सेल्फ चेक इन वगैरह वाला सीन है, मतलब कि आपने सिर्फ बैगेज ड्रॉप करना है वहाँ पे, और आपको बोर्डिंग पास यहाँ पे मशीन से इशू हो जाता है,
यहाँ पर भी वैसे ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। या वन Okay, so dangerous blue items. No, I don't have anything. No. So ये जो है मेरा लगेज क्लेम का है और ये मेरा बोर्डिंग पास है, एंड देन इट्स ऑल डन। इट वॉज़ क्विक। यहाँ से मशीन है वो मैं वीडियो बना नहीं सका, बट इट वॉज़ रियल क्विक। थैंक यू वेरी मच मैन, टेक केयर। अब मुझे जाना है इमिग्रेशन पे, और इमिग्रेशन के बाद मैं एंटर कर लूँगा वहाँ से। अच्छा, वहाँ से मैंने ये किया, सॉरी, जब मैंने बैगेज ड्रॉप किया, बैगेज ड्रॉप के बाद मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया। इमिग्रेशन काउंटर जो है वो स्मार्ट गेट है। उसके बाद सिक्योरिटी चेक जो होता है, सिक्योरिटी जहाँ पर आपको लास्ट एक बिल्कुल आपके जो हैंड बैगेज वगैरह उनको चेक करते हैं, वहाँ पर गया। और अभी साथ ही जो ड्यूटी फ्री है, ठीक है, ये सारी ड्यूटी फ्री की शॉप्स हैं। और यहाँ पर जो है डाइनिंग भी है और शॉप भी हैं। अच्छा जी, लुलू भी है यहाँ पर। सो लेट्स एक्सप्लोर इट। सामने टॉयलेट्स हैं और मुझे टॉयलेट भी जाना है। अच्छा, मुझे ना टूथब्रश और टूथपेस्ट बाय आउट करनी थी, लेकिन उसका मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो अब मैंने ये सोचा कि मैं पेरिस में जो है वो बाय आउट कर लूँगा, या फिर यहाँ पर मुझे लुलू नज़र आया है। अब अगर तो आपको लुलू का नहीं पता, तो लुलू जो है ना एक हाइपर मार्केट सुपर मार्केट है दुबई में। अभी यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर तो लेकिन कॉफ़ी, नट स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, ये कुछ है, इसके अलावा कोई और निज़ाम नहीं। अच्छा, अभी मैं ये चेक करने लगा हूँ कि मेरा जो यहाँ पर एयरपोर्ट लाउंज है, जो वो कौन सा वाला यहाँ पर है, अबू धाबी एयरपोर्ट पे यहाँ पर अभी, और कहाँ पे करके है वो। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ अभी, आई डोंट नो आपको मोबाइल में नज़र आया नहीं। पर्ल लाउंज टर्मिनल ए इंटरनेशनल डिपार्चर एयर साइड। तो पर्ल लाउंज जो है ये सामने लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड भी है पर्ल लाउंज। ठीक है जी, पर्ल लाउंज चेक करते हैं, क्योंकि मुझे भूख तो लगी हुई है, डिनर तो मुझे करना ही है। इट्स लाइक 11:07, 11:07 हो गए हैं और डिनर का टाइम है। साथ साथ मैं आपको एयरपोर्ट भी दिखाता जाता हूँ, और साथ साथ मैं वो पर्ल लाउंज भी देख लेता हूँ, बल्कि वो भी आपको दिखा दूँगा वहाँ पर। ये सामने भी ड्यूटी फ्री है, यहाँ पर कुछ अल्कोहलिक आइटम्स और सिगरेट्स वगैरह लगे हुए हैं। एक दफ़ा चलो ये भी देख ही लेते हैं। अच्छा, जो एयरपोर्ट का डिज़ाइन है ना, वो काफ़ी एडवांस किस्म का बनाया है। जल्दी आपको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन देखने में थोड़ा ये देखो, आई मीन ये फनूस ऊपर जो है वो बनाया हुआ है काफ़ी बड़ा, और ऐसे जैसे आप स्पेसशिप पे आ गए हो कहीं पर। तो ये जो है वो पर्ल लाउंज है। हेलो, हाय, हेलो, हाय। अभी ये नया एयरपोर्ट है, इसका लाउंज मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ये वाला जो है। तो लेट्स सी, मैं अंदर जाके आपको थोड़ा बहुत ये भी दिखा दूँगा। फिलहाल तो ये रिसेप्शन है, यहाँ पर मुझे जो है वो रजिस्ट्रेशन या कुछ भी जो एंट्री वो करनी होती है। Okay, so I need to use Dragon Pass, right? That's the one. And do you need my passport and boarding pass? Yeah, only me. Yeah. That's my boarding pass. मैंने आपको बोला था कि वो एंट्री वगैरह उन्होंने करनी होती है, वो देखो एंट्री कर दी है और एंट्री मेरी कर ली है, कुछ इस तरह से होती है। Alright, no worries. Thank you very much. Good day. अच्छा, मेरे पास जो एक्सेस है उसमें शावर स्टोरेज नहीं है, वरना यहाँ पर शावर वगैरह भी हैं, आप शावर भी ले सकते हो। और ये ओके, वेरी नाइस। ये जो है वो सारा खाने का सीन है। ओके, ये सैलड वगैरह बड़े हुए हैं, और
ये जो है उसके अलावा ना मरीन फूड पड़ा हुआ है, ये कुछ चिकन स्ट्यू और चने पोटैटो और चॉकलेट फज, ये कुछ स्वीट्स पड़ी हुई हैं। आई मीन अच्छी वैरायटी है। और ड्रिंक्स की जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्रिंक्स के लिए ये कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं, इसके अलावा ये जूसेस हैं, एंड देन ये पानी है, ये कॉफ़ी मशीन पड़ी हुई है। और अब मुझे कोई जगह ढूंढनी है जहाँ पर मैं बैठ के जगह को रिजर्व कर लेता हूँ। अच्छा, ये सारा जो है वो बैठने का सिटिंग एरिया है, इनका हॉल जो है। लेट मी सी कि मुझे कहाँ पर कोई जगह मिल सकती है ताकि मैं वहाँ पर बैठ जाऊँ। अच्छा, ये एक जगह मुझे मिली है यहाँ पर, जो कि एक ही चेयर के साथ पड़ी हुई है। एंड आई थिंक दिस इज़ गोना बी माई प्लेस। यस। अच्छा, लाउंज में मैंने ये खा लिया। ये थोड़े से वाइट कलर के छोले हैं, साथ में चिकन है, क्यूकम्बर है, राइस हैं, पोटैटो हैं, और साथ में कोल्ड ड्रिंक है और मैंगो योगर्ट है। ठीक है, तो आई एम गोना टेक सम ब्रेक, मैं थोड़ा सा खाना खा लूँ, खाना खा के दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो है ये लाउंज का सेकंड पार्ट है, नहीं सेकंड पार्ट नहीं, सॉरी सेकंड हॉल है। अच्छा, जैकेट मैंने इसलिए पहन ली है क्योंकि हल्की हल्की ठंड हो गई है यहाँ पर, आई मीन हल्की हल्की सर्दी लग रही थी मुझे। और अभी जहाँ पर मैं हूँ, ये भी लाउंज का हिस्सा है, सेम लाउंज है, और इसका ये सेकंड हॉल है, मतलब आप कह सकते हो सेकंड हॉल है। एंड इट्स ह्यूज ऊपर से, और यहाँ से भी। अच्छा, एनीवेज ये जो है ये काउंटर है इनका फूड के लिए, ये सामने बार है और आगे सारे लोग खड़े हैं, और ये बच्ची पता नहीं क्या कर रही है सामने, आंटी देख के हंस रही है। अच्छा, एनीवेज तो मैं आपको दिखा रहा था ये लाउंज का जो दूसरा हॉल है, इट्स ह्यूज, काफ़ी बड़ा है ये। अच्छा, मज़े की बात ये भी है कि मैंने जब एंटर किया था तो वो जो डाइनिंग हॉल वन है ना, मैं वहाँ पर बैठा था, एंड आई वाज लाइक फक, ये तो बहुत छोटा सा है, यहाँ पर तो लोग इतने हैं ही नहीं, मतलब लोग बहुत ज़्यादा हैं और हॉल छोटा सा है, क्योंकि एंटर होते साथ ही वो हॉल है वहाँ पर। अभी मैंने थोड़ा सा उठा मैं एक्सप्लोर करने के लिए खाना शाना खा के, तो मुझे नज़र आया कि यार यहाँ से तो एक और हॉल की एंट्रेंस है। मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो एक्चुअली जो बड़ा सारा हॉल है वो तो ये है। दैट्स सो, मैंने वहाँ पर हमें इतना टाइम स्पेंड किया, और फिर मैं यहाँ पर बैठ के पी सकता हूँ, एटलीस्ट ये तो मैं कर सकता हूँ। अब जो बड़ा वाला हॉल है वो मिला ही मुझे अब है, तो वहाँ पर भी तो बैठना बनता था ना, तो मैंने खाना तो ऑलरेडी खा लिया, मैंने कहा यार चलो ये कॉफ़ी पकड़ लो, कॉफ़ी पकड़ के तो फिर वहाँ पर ही कुछ बैठ जाते हैं, वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी होता है, यू लर्न विद द टाइम, इट्स ओके। I have Mark with me. Mark, what best do you have? Here we have complimentary drinks. Okay. What is the best for now? The strongest one. You want whiskey? Yeah, whiskey. No. I don't want it. Just tell me in the video. That's whiskey, it. Whiskey. It's good with this one, ginger tea. Okay. Look, Mark has a lot of best variety here, but I prefer only water. Water is best, yeah? अच्छा, यहाँ पर जो सीटिंग है ना, मोस्टली सीटिंग्स के साथ यहाँ पर ही उन लोगों ने यूएसबी के लिए और पावर केबल के लिए जो है ना वो बनाया हुआ है स्लॉट्स में, हर उसके साथ जो है वो बेंच के साथ अगर आप देखो तो लोगों के चार्ज के लिए या फिर स्विच बोर्ड के लिए वहाँ पर जगह बनाई हुई है, तो आप ईज़िली जो है वो अपना कर सकते हो जो भी चार्ज करना है। अच्छा, जो मेरा गेट है वो C31 गेट है, और वो सामने C31 गेट आ रहा है मेरे, और ये सारा जो है स्मोकिंग के लिए बना हुआ है, ये अंदर सारे लोग जो हैं वो तंबाकू नोशी कर रहे हैं, ये सारा स्मोकिंग का एरिया है।
छोटा सा कैबिन जो बना है इसके अंदर जो है आप जाके स्मोकिंग कर सकते हो। बुरी बात है, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मज़र है, नहीं करनी चाहिए, नहीं समझते हैं बात को। अच्छा ये C31 गेट आ गया मेरा। ओके वेरी नाइस। होल्डिंग जोन 1-3। पता एयरपोर्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी और उसके अलावा जो स्टाइल और डिज़ाइन सारे हैं उन्होंने नए बनाए हुए हैं इन्होंने। लुक मतलब इतनी कंफर्टेबल चेयर्स और काउच आपको किसी एयरपोर्ट पे मिल भी सकते हैं, हो सकता है, लेकिन वेरी नाइस। देखो ना सामने आपके टेबल पड़ा है ऐसे जैसे किसी आप कैफ़े या रेस्टोरेंट में बैठे हो।